नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा कि भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह ने अंबेडकर को बीच संसद में क्यों गोली मारी थी। तो निश्चिंत होकर सुनिए और आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल जाट हिस्ट्री पर नए हो तो हमारे चैनल जाट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। इस YouTube चैनल पर हम जाटों की वीरगाथा डालते हैं, तो अगर आप भी जाट हैं या जाटों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल जाट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। एक दिन की बात है, जब भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह संसद पहुंचे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे जाट राजा बच्चू सिंह थे उनकी कौम सिंहनवार थी, या आप फौजदार भी कह सकते हैं। तो एक दिन भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह जी संसद पहुंचे, तो थोड़ी देर बाद संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर संसद पहुंचा। मैं आपको बता दूं कि जो भीमराव अंबेडकर था वो जाति से चमार था। उसके संसद पहुंचते ही सभी उसे देखकर खड़े हो गए, लेकिन जो हमारे भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह जी थे वो उसे देखकर खड़े नहीं हुए। तभी अंबेडकर की नज़र राजा बच्चू सिंह पर पड़ी, और फिर अंबेडकर ने तभी नेहरू जी से पूछा कि ये कौन है जो हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तभी नेहरू जी ने अंबेडकर से कहा कि ये भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह जी हैं। तो घमंड में चूर अंबेडकर ने कहा कि अच्छा, रजवाड़े चले गए मगर अकड़ नहीं गई, और रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो इतना सुनते ही भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह जी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और ठीक पास से अंबेडकर में गोलियां दाग डाली। बच्चू सिंह जी यहीं नहीं रुके, बल्कि अंबेडकर को मारने के बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर नेहरू जी की छाती पर निशाना लगाकर पूछा नेहरू जी से कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया मिस्टर नेहरू? डरे सहमे नेहरू ने कहा, नहीं राजा साहब, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह सुनकर भरतपुर के जाट राजा बच्चू सिंह जी संसद से बाहर चले गए, और इस प्रकार हमारे भरतपुर के जो जाट राजा बच्चू सिंह जी थे उन्होंने अंबेडकर को मारा था। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही जाटों की वीरगाथा लाएं, और यह आपको जाट होने पर गर्व हो, तो हमारे YouTube चैनल जाट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।